ओके टेस्ट एम वन चैप्टर थ्री प्रॉब्लम सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 40 तो हमारा हुआ है 2 और 4 बाकी का बाद में करें। ओके सो लेक्चर नंबर हमारा 5 है डेट है 10 तारीख करेक्ट 5 दिन के बाद स्कूल शुरू होने वाला है। फाइंड द बॉटम फ्रॉम द एंड यहाँ फ्रॉम द एंड इम्पोर्टेंट है अगर स्टार्टिंग लेंगे तो गलत हो जाएगा। इन एन एपी -11, -8, -5, 40 सो -11, -8, -5, 49 ओके सो TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी सो 49 इज इक्वल टू -11, +N-1, D कितना है 3 सो 49 इज इक्वल टू -11, +3N × -3 तो 49 इज इक्वल टू -11, -3 + 3N सो 49 इज इक्वल टू -40 + 3N 49 इधर आता है तो प्लस होता है 3N बराबर तो ये आ गया 63 इज इक्वल टू 3N देयरफॉर N इज इक्वल टू 63/3 कितना आया N इज इक्वल टू 21 कितना आया तो N हमारा इधर लास्ट टर्म है क्या है लास्ट सो 21, 20, 19, 18 फोर टर्म फ्रॉम द A वो क्या है 18 तो 18 इज द फोर टर्म फ्रॉम N तो TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो T18 इज इक्वल टू -11, +18, -1, 3 सो 18 इज इक्वल टू -11, +17 × 3 सो T18 इज इक्वल टू -11, +51 सो 51 - 11 इज इक्वल टू कितना आया 40 कितना आया समझ आया देयरफॉर फोर टर्म फ्रॉम एन इज 40 समझ में आया क्या सबको ओके नाउ एमसीक्यू का जो हमारा क्वेश्चन बाकी था 10 नंबर तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 20 एंड एसएन कितना दिया है 399 निकलना क्या है एन एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू T1 + TN सो 399 इज इक्वल टू एन अपॉन टू प्लस ब्रैकेट में 1 + 20 सो 339 इज इक्वल टू एन अपॉन टू 21 सो 339 × 2/21 एन सो ये क्या किया 7 3 7 3 21 7 5 35 कितना बच गया 4 7 7 19 सो 19 × 2 = n 19 × 2 = 38 n इज इक्वल टू क्या है 38 बराबर समझ में आया नाउ फोर टर्म कितना क्वेश्चन नंबर 4 फोर टर्म कितना है -15 नाइन टर्म कितना है -30 निकलना क्या है मेरे को यस देखो यस निकालने के लिए हमको ए और डी चाहिए तो ए और डी डायरेक्ट दिया नहीं है इसीलिए हमको ये फोर्थ और नाइन टर्म दिया है वो दो सवाल करने के बाद हमको ए और डी मिलेगा वो हम इसमें डालेंगे तो हमारा यस 10 मिलेगा तो TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी T4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 - 1 डी सो T4 इज इक्वल टू ए प्लस 3 डी तो T4 कितना है -15 इज इक्वल टू ए प्लस 3 डी करेक्ट सो इक्वेशन नंबर 2 अभी 9 के लिए T9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 - d TN9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 - 1 8 डी तो -30 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी तो ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू -30 ये हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 क्या है ए प्लस 3 डी माइनस 50 तो ये दोनों को देखो ए कैंसिल 8 डी माइनस 3 डी 5 डी माइनस 30 पर बराबर 5D is equal to minus 15, D is equal to minus 15 upon 5, 5 3 जाए, minus 3, क्या है minus 3, D, अभी D मिला मेरे को क्या चाहिए, E, तो D is equal to minus 3 in equation 2, equation 2 क्या है मेरा, A plus 3D minus 50, A plus 3, D कितना है मेरा minus 3, तो 3 × -3 - 50, A minus 9 is equal to minus 50, तो A is equal to minus 50 plus 9, तो ए इज इक्वल टू -6 एकदम फिक्स अभी क्या निकलने का मेरे को निकालना क्या है मेरे को यस ए तो यस फॉर्मूला मालूम है हमको यस
S10 इज इक्वल टू 5, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिखा है ना, डायरेक्ट ये डाला मैंने ये इसमें वन में, इन इक्वेशन वन का है, तो S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 6 प्लस 9 माइनस 3, तो S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट माइनस 12 माइनस 27, तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 39, तो S10 इज इक्वल टू माइनस कितना आया, माइनस 195, करेक्ट, ओके, टेक मैथ्स वन चैप्टर 3 प्रॉब्लम सेट में कौन सा सम है, बोलो 6 एंड 8 है ना ये, ओके लेक्चर तुम्हारे लिए सेम लेक्चर हमारा, बराबर, T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 7 ये गिवन है, फिर T7 प्लस T14 इज इक्वल टू माइनस 3 गिवन है, ये दोनों दिया है, तो उसका यूज करके हमको T10 निकालने का है, मतलब अनिल का फॉर्मूला यूज करना है, तो पहला हम दो इक्वेशन तैयार करेगा, सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म इज 7, तो T8 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, therefore T3 is equal to खाली n की जगह 3 आएगा, T3 is equal to a plus 3 minus 1d, so T3 is equal to a plus 2d, now T8 is equal to a plus n minus 1d, so T8 is equal to a plus 7d, therefore T3 plus T8 is equal to a plus 2d, a plus 7d, so 2a plus 9d is equal to 7, I got this equation number 1. Similarly for 7th and 14th term, T10 is equal to a plus n minus 1d, T7 is equal to a plus 7 minus 1d, so T7 is equal to a plus 7d, so T14 is equal to a plus 14 minus 1d, therefore T14 is equal to a plus 13d, so T7 plus T14 is equal to a plus 7d, a plus 13d, a plus 8, 2a, 7 plus 13 कितना आया? थर्टीन प्लस सेवन ये तो 20 हो गया, अच्छा इधर 6 भी चाहिए क्या, हाँ तो 60 प्लस 13 इज इक्वल टू 90d, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस 3, आई गॉट इक्वेशन नंबर 2 बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 7, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस 3, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सो 2a 2a कैंसिल, 19d माइनस 10d, 7 प्लस 3 10, सो d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 10, बराबर d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 10, देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 1, now substituting the value of d is equal to minus 1, 2a plus 9 into minus 1, 7, 2a minus 9 is equal to 7, 2a plus 7 plus 9, 2a is equal to 16, a is equal to 16 upon 2, that is 8, t10 is equal to a plus n minus 1d, t10 is equal to 8 plus 10 minus 1 into minus 1, so t10 is equal to 8 plus 9 into minus 1, so T10 is equal to 8 minus 9, that is T10 is equal to minus 1, the tenth term is minus 1, okay, sum number 8, sum of 1, 2 and natural number is 36, then find the value of n, so you know the formula, you know we have two formulas of S. So Sn is equal to n upon 2 T1 plus Tn. So Sn is equal to n upon 2 1 plus n. So Sn is equal to 36 given. So 36 is equal to n upon 2 bracket n plus 1. N upon 2 n plus 1 is equal to 36. N bracket n plus 1 is equal to 36 into 2. N bracket n plus 1 is equal to 72. So n square plus n is equal to 72. N square plus n minus 72 is equal to 0. So n square is equal to y, 9n minus 18 is 72, n bracket n plus 9, minus 8 plus n minus 9 is equal to 0, so n plus 9, n minus 8 is equal to 0,
you know the multiplication is 0, therefore 1 bracket is 0. A plus 9 is equal to 0, or A minus 9, 8 is equal to 0. But n is natural term, therefore n is not equal to minus 9, therefore n is equal to 8. N is natural number, barabar. Therefore n is equal to 8. एमएमएन चैप्टर 3 प्रॉब्लम सेट का 3 का 10 देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी कितने टर्म्स है 37 द सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429 तो क्या करना है राइट एपी तो क्या दिया है हमको 1 टू 37 टर्म दिया बराबर उसमें मैंने क्या किया 1 टू 36 लिया 36 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 18 ये तो टर्म आने वाला है बीच में बराबर फिर 18 19 20 ये मिडल वाला एग्जैक्टली ठीक टर्म्स है एग्जैक्टली एट द मिडल 18 19 एंड 20 टर्म्स आर देयर ओके सो टी 18 टी 19 टी 20 इज इक्वल टू 225 T35 लास्ट टर्म तो हमको पता चलता है 37 लास्ट है मतलब 36 35 आएगा T35 करेक्ट सो T35 T37 इज गिवन 429 Then you know the formula Tn is equal to 10 ज्ञान पड़ता है Tn is equal to A plus N minus 1D T18 is equal to A plus 18 minus 1D T18 is equal to A plus 17D Substituting in equation 1 A plus 17D plus A plus देखो इसमें डाल रहा हूं T18 क्या A plus 17D T19 क्या A plus 18D T20 क्या A plus 19D is equal to 225 So A, 3A, 17D, 18D, 19D, is equal to 54D, is equal to 225. यह हमारा equation number 4, okay? Now from equation 2 क्या है हमारा? 35, 36, 37. So 34 क्या? A plus 34D, A plus 35D, A plus 36D, 429. 3a plus 105d is equal to 429 5 subtracting 4 from 5 correct so 3a हमारा equation 4 क्या है 5 क्या है 3a 105d 429 और equation 4 क्या है 3a 54d 225 so 105d minus 54d is equal to 429 minus 225 204 so d is equal to 204 divided by 51 answer kitna aaya d kitna aaya 4 okay agar d aur kya mila mere ko yes. a so d is equal to 4 in equation 4 3a plus 54d is equal to 225 so 3a plus 54 d ka value dala kitna hai 4 So 3a plus 54 into 4, 225. 3a is equal to 216. ये multiply करा 4, 4 जा 16 carry 1, 4, 5 जा 20, 21. 216 is equal to 225. So 3a is equal to 225 minus 216. So 3a is equal to 9. A is equal to 9 upon 3 that is 3. बराबर. तो AP क्या आ गया? AP क्या करते हैं हम? T1 बराबर T1. तो T2 कैसा आता है? T1 plus 7, T3 कैसा आता है T2 plus क्या है डी हमारा 4 ना बराबर इसी तरह से हमको 3, 7, 11 मिला तो हमको लास्ट टर्म चाहिए अगर ऐसा लिखते रहेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा तो हम T37 के लिए क्या किया T37 is equal to A plus N minus 1D T37 is equal to 3 plus 37 minus 1 into 4 So T37 is equal to 3 plus 36 into 4. So T37 is equal to 3 plus 1, 4, 4. So T37 is equal to kitna aaya?
147, ये क्या है हमारा लास्ट टर्म बराबर। एपी क्या आया 3, 7, 11, 15 और लास्ट टर्म कितना है 147।